Welcome to Education Wave Success Made Easy, Organisms and Population Part 5. So last की वीडियो में हमने पढ़ा था adaptations के बारे में, कि जो mammals होते हैं या फिर desert में जो plants होते हैं या फिर animals जिसके अंदर हमने लिए जो lizards और cold climates में जो mammals होते हैं, ये कैसे उस habitat में जो कि unfavorable है उसमें अपने आप को adapt करते हैं ताकि वो survive कर सके और आगे अपनी न्यू जनरेशन्स को रिप्रोड्यूस कर सके. सो उनकी अडेप्टेशंस, ये जो टॉपिक है ये हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा. अगर आपको ये जो वीडियो थी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच इट. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. नाउ पॉपुलेशन को एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि वॉट इज़ पॉपुलेशन. So a group of individuals living in a geographical area who can interbreed and share or compete for similar resources is called a population. So a group of individuals हम किसको ले सकते हैं, जब वो एक particular species हो. For example, हम humans एक particular species हैं, dogs एक अलग species हैं तो उनकी एक अलग population, cats अलग species हैं उनकी एक अलग पॉपुलेशन, लेकिन बहुत सारे होने चाहिए, मतलब कि वो ग्रुप होना चाहिए उनका. सो अगर कैट्स का ग्रुप है, उनका एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ग्रुप है तो हम उनको क्या बोलेंगे, कैट्स की पॉपुलेशन. ह्यूमंस का अलग एक ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमंस की पॉपुलेशन. डॉग्स के लिए भी सेम ऐसे ही, अगर उनका एक ग्रुप है क्योंकि वो एक अलग स्पीशीज है तो उनकी पॉपुलेशन. सो सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज होनी जरूरी है. आप किसी को भी नहीं बोल सकते, ह्यूमंस कैट सबको मिला के आप पॉपुलेशन नहीं बोल सकते. सो ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज जो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रह रही हो, लिविंग इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, हु कैन इंटरब्रीड. सो सेकेंड पॉइंट ये भी है कि हु कैन इंटरब्रीड मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस. अगर वो जो पॉपुलेशन है उसके अंदर इंडिविजुअल्स क्या है, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑब्वियसली फिर हम डॉग्स कैट्स और ह्यूमंस को नहीं ले सकते, बिकॉज हम जो अगर ह्यूमंस को डॉग्स को ले तो वी कांट रिप्रोड्यूस एक साथ, ठीक है. सो ह्यूमंस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन हुई, एक डॉग्स की एक अलग पॉपुलेशन हुई. सो हु कैन इंटरब्रीड या फिर हु कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो कि फंक्शन करें जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन. एंड दे शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, तो ये एक सिमिलर रिसोर्सेज के लिए भी कम्पीट करते हैं. जैसे हम ह्यूमंस किसके लिए कम्पीट करते हैं, मोस्टली ह्यूमंस सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेंगे या फिर शेयर करेंगे. डॉग्स एक अलग उनका एक रिसोर्सेज होंगी. वाटर, अगर हम फिशेज को देखें तो फिशेज की एक अलग नीड होती है तो उनकी भी एक सिमिलर रिसोर्सेज होंगी, तो इसलिए वो अलग स्पीशीज हैं. सो हम सभी एक अलग स्पीशीज, तो ये तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर स्पीशीज होनी चाहिए, दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, उस पॉपुलेशन में उस वो इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करने चाहिए और वो सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, कि उस पॉपुलेशन की कितनी साइज या फिर उसका डेंसिटी कितना है, ये है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. कि इफ अगर कोई स्पीशीज है जिसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक रीजन के अंदर रह रहे हैं और कितना उसका एरिया है. फॉर एग्जाम्पल, इस एरिया में अगर 10 इंडिविजुअल्स रह रहे हैं तो इस पूरी जगह का एरिया आप पाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिएगा, जिसका भी जितना भी इसका रेडियस होगा, पूरा एरिया का हमने रीजन का एरिया निकाल लिया और 10 इंडिविजुअल्स जो इस रीजन में स्टे कर रहे हैं उनसे हमने डिवाइड कर दिया एरिया को, ठीक है. सो इसे बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी. सो ऑफ अ स्पीशीज पॉपुलेशन साइज या फिर डेंसिटी अगर आपको निकालना हो, ऑफ अ स्पीशीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फिर वी वॉल्यूम भी ले सकते हैं. अगर आप वाटर के अंदर देखें तो ऑब्वियसली वहाँ का वॉल्यूम लेंगे. नेक्स्ट इज बर्थ और निटैलिटी रेट, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर. अगर आपको बर्थ रेट निकालना है कि कितनी ज़्यादा बर्थ
वहां पे हुई है, ठीक है, मतलब कितने इंडिविजुअल्स हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इस साल इस एरिया में फॉर एग्जाम्पल 10 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर क्या देखा, यहाँ पे इस इंडिविजुअल में आपस में रिप्रोड्यूस किया होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर ये पॉपुलेशन सी है, सो यहाँ पे 5 बर्थ्स हुई, तो यहाँ का जो बर्थ रेट है वो कैसे काउंट करेंगे, तो उस बर्थ रेट को फाइंड करने के लिए कैसे होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ बर्थ्स हुई हैं पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर, वहाँ पे पर 1000 जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे, ओके। सिमिलरली डेथ रेट भी ऐसे निकाला जाता है कि कितनी नंबर ऑफ डेथ्स वहाँ पे देखी गई हैं पर जितना भी वहाँ पे उस एरिया में पर 1000 इंडिविजुअल्स हम वहाँ पे लेके चलते हैं। सेक्स रेशियो कैसे फाइंड करते हैं कि कितने फीमेल्स हैं और कितने मेल्स हैं, तो अगर आप फीमेल्स का निकालेंगे तो पर 1000 मेल्स रखेंगे, और अगर आप मेल्स का निकालेंगे तो पर 1000 फीमेल्स रखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर ये सब जब चीज़ें अगर हमें निकालनी हैं तो हम इन्हें कैसे निकालते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एरिया लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एक पॉन्ड जो लिया मैंने, या फिर कोई लेक ले ली, कोई रिवर ले ली, जिसके अंदर मान लीजिए वहां पे क्या थे, 20 लोटस प्लांट्स थे, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए कि कितने भी कोई से भी प्लांट्स थे, 20 थे या 30 थे, या फिर हमने ले लिया 20 लोटस प्लांट्स थे, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन, अब वहां पे रिप्रोडक्शन हमने देखी, रिप्रोडक्शन हुई तो वहां पे अब कितने फ्लावर्स और हो गए ऐड, मान लीजिए 10 फ्लावर्स वहां पे ऐड हो गए, रिप्रोडक्शन हुई, जो स्पीशीज थी वो ग्रो हुई, तो प्लस 10 वहां पे ऐड हो गए उस पर्टिकुलर लेक के अंदर, ठीक है। अब 8 नए प्लांट्स, जो 10 फ्लावर्स थे वो वहां पे ऐड हुए, तो करंट पॉपुलेशन वहां की कितनी हुई, 28, ओके, सो 28 पॉपुलेशन हुई। अगर आपको बर्थ रेट निकालना है, ठीक है, वहां का बर्थ रेट निकालना है, तो बर्थ कितनी हुई वो आपको देखनी है कि 10 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने ने बर्थ लिया, जो हमारे थे 10, ठीक है, टोटल कितना था हमारा 30, टोटल कितना था 30, सो जब हमने इसको डिवाइड किया तो जो भी आंसर अगर आपका आएगा, ठीक है, तो वही हमारा पर कितना होगा, जितने भी हमारा जो बर्थ रेट होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई भी जगह ले लीजिए, 4 इंडिविजुअल्स एक लैब की पॉपुलेशन, मान लीजिए कि एक लेबोरेटरी में 4 इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, 4 इंडिविजुअल्स हैं, फोर इंडिविजुअल्स लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, और उसमें से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, 40 इंडिविजुअल्स किसी लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं, और हर वीक वहाँ पे 4 जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम डेथ रेट कैसे निकालेंगे उस वीक का, अगर हमें उस वीक का निकालना है तो हर वीक 4 डेथ्स हो रही हैं और टोटल कितने हैं वहाँ पे इंडिविजुअल्स, 40, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.1 डेथ पर वीक, ठीक है, तो ये हमारा था डेथ रेट। डेथ रेट निकालना हो तो कितनी डेथ हुई वहाँ पे और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और बर्थ रेट मतलब कितनी बर्थ हुई, अगर यहाँ पे हमारी 10 एड फ्लावर हुए थे, टोटल हमारा 30 हुआ था, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये था हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट निकालने का तरीका। नाउ एज पिरामिड क्या होता है, नाउ अभी हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपको लिखने के लिए, या फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स दे देंगे। नाउ नेक्स्ट इज एज पिरामिड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन आएगा कि एज पिरामिड समझाइए, जितने भी उसके 3
जो हमारे जो पॉपुलेशन में थ्री टाइप्स के डिफरेंट शेप ऑफ पिरामिड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो ध्यान से देखिएगा, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। तो किसी भी पॉपुलेशन में एज वाइज अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉपुलेशन थी जिसके अंदर बहुत सारे ह्यूमंस थे, ठीक है। अब ह्यूमंस क्या थे, कुछ जो ह्यूमंस थे वो एज थी जिनकी 0 से लेके 16 ईयर्स तक की, हमने उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। हमने उनको क्या बोल दिया कि वो अभी किस फेज में है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, मतलब कि वो अभी रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं पहुंचे हैं, रिप्रोडक्शन से पहले वाली फेज में है, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अभी, तो हमने उसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 15 ले लीजिए, क्योंकि अब कुछ ऐसे थे जो कि एडल्ट हो चुके थे या फिर टीनेजर्स हम कह सकते हैं, तो 16 से लेके हमने 20 तक या फिर 22 तक हमने क्या ले लिया, उनको रिप्रोडक्टिव फेज में ले लिया। हम कुछ भी ले सकते हैं, ये नंबर्स हमने इनको रिप्रोडक्टिव फेज में ले लिया, और इनसे जितने भी बड़े थे उनको हमने पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ले लिया, ठीक है। मतलब कि जितने भी ओल्ड एज वगैरह थे वो हमने पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ले लिया। तो ये जो हमने पॉपुलेशन का एक एज डिस्ट्रीब्यूशन किया, एज वाइज हमने उनको अलग कर दिया एक स्ट्रक्चर के थ्रू, या फिर एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक रिजल्टिंग स्ट्रक्चर देके, कि मतलब इतने इंडिविजुअल्स थे जिनका प्री रिप्रोडक्टिव था, इतने इंडिविजुअल्स थे जो रिप्रोडक्टिव फेज में थे, और इतने इंडिविजुअल, तो एक स्ट्रक्चर सा देके, तो उसे हम बोलेंगे एज पिरामिड। तो पिरामिड का जो शेप होगा वो बताएगा कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ स्टेटस है वो कैसा है। तो तीन तरीके के शेप्स अभी तक देखने को मिली हैं जब हम पॉपुलेशन देखते हैं किसी भी एरिया की, ठीक है। तो हमने तीन तरीके के ही एज पिरामिड देखे। तो फर्स्ट था एक्सपैंडिंग, जिसकी शेप कैसे थी, ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड था वो। अब ये क्या है एक्सपैंडिंग, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। देखा हमने सेकंड स्टेबल, ठीक है। थर्ड देखा हमने डिक्लाइनिंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पिरामिड होता है, कौन सा टाइप जो बेल शेप्ड पिरामिड होता है, तो आप उसको बताएंगे कि स्टेबल वाला जो होता है उसको हम बेल शेप कहते हैं, डिक्लाइनिंग वाले को आन शेप कहते हैं, और जो एक्सपेंडिंग वाला होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। सो एक्सपेंडिंग वाला ये है हमारा एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये है हमारा एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट इज स्टेबल, ये हमारी स्टेबल है, और ये है हमारी डिक्लाइनिंग फेज। नाउ इन तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ मैं, कि फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग, मतलब कि ये होती है हमारी प्री रिप्रोडक्टिव फेज। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर आप देख के बता सकते हैं कि ये जो हमारी जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो देखा जाए तो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज और हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज से काफी ज्यादा है। इट मींस ये एक्सपैंड कर रही है, मतलब कि जो हमारा एज पिरामिड है यहाँ पर हमारे जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, सबसे ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले। फिर उससे ज्यादा उससे कम मात्रा में पाए जा रहे हैं हमारे रिप्रोडक्टिव, और सबसे ही ज्यादा कम मात्रा में क्या पाए जा रहे हैं, हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब जिनकी ओल्ड एज है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबल, स्टेबल वाले में क्या था, जो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले और जो रिप्रोडक्टिव वाले थे वो इक्वल अमाउंट में थे, मतलब जितने हमारे प्री रिप्रोडक्टिव थे उतने ही ज्यादा उतने ही बराबर पे थे हमारे रिप्रोडक्टिव वाले, और फिर थे हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है। अब ये थी हमारी स्टेबल। नाउ डिक्लाइनिंग में क्या हुआ, प्री रिप्रोडक्टिव वाले काफी कम थे, ठीक है, और हमारे जो रिप्रोडक्टिव वाले थे वो काफी ज्यादा थे, और हमारे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले जितने भी थे, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड जितने भी इंडिविजुअल्स थे वो काफी कम थे। तो ये थी हमारी डिक्लाइनिंग, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ऑन शेप, ऑन शेप्ड पिरामिड, और ये इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड, और ये है ट्राइंगल शेप, ठीक है, ये है हमारी ट्राइंगल शेप, ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड।
सो द पिरामिड ऑल्सो इंडिकेट्स द रेशियो, रेशियोज भी बता देगा कि फॉर एग्जाम्पल ये 10 है इंडिविजुअल्स और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाले सिर्फ 20 हैं, तो अगर आपको रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव का अगर आपको रेशियो चाहिए तो आप 20/10 कर सकते हैं, तो 2:1 हो गया, ठीक है। तो आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का कि उसके अंदर कितने रिप्रोडक्टिव हैं और कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं। सो थैंक यू सो मच, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो इस वीडियो को, अगर आपको देख के थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए हमारी वीडियो। एंड थैंक यू सो मच, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच।